व्हाट इज़ क्राइम एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए क्राइम। इस वीडियो में हम क्राइम और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ क्राइम, एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एंड इज़ पनिशेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड क्राइम। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है और पनिशेबल बाय लॉ हो, वो क्राइम कहलाता है। मजीद क्राइम और ऑफेंस के दरमियान डिफरेंस पिछली वीडियो में क्रिमिनल लॉ की प्ले लिस्ट में लेक्चर 1 एड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप मजीद क्राइम और ऑफेंस के दरमियान डिफरेंस वाज़े तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए क्राइम। देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स डेट मस्ट बी फाउंड फॉर कमीशन ऑफ ए क्राइम। किसी भी एक्ट या ओमिशन का क्राइम बनने के लिए इन 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। क्राइम बनने के लिए इन 3 एलिमेंट्स में से किसी एक की भी एब्सेंस होगी तो क्राइम नहीं बनेगा। वो तीन एलिमेंट्स हैं मेंस रिया, एक्टस रियाज, और तीसरा है कंकरेंस ऑफ मेंस रिया और एक्टस रियाज। तो पहले मेंस रिया देखते हैं। मेंस रिया इज़ द स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंट ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ हिज एक्ट। मेंस रिया डिफेंडेंट की स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंट का नाम है। इन शॉर्ट मेंस रिया मीन्स द इंटेंशन टू कमिट एन एक्ट, कि किसी भी एक्ट को करने की इंटेंशन को मेंस रिया कहते हैं, या गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड या इविल स्टेट ऑफ माइंड टू कमिट अ क्राइम, यानी कि क्राइम करने के लिए गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड का होना या इविल स्टेट ऑफ माइंड का होना किसी भी क्राइम को करने के लिए, वो मेंस रिया कहलाता है। इसमें आप कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करते हो, कोई फिज़िकल काम नहीं करते हो। मेंस रिया में जस्ट आप थिंकिंग प्रोसेस करते हो कोई भी क्राइम करने के लिए, यानी कि आप अपनी प्लानिंग करते हो कि मैंने क्राइम कैसे करना है, क्या करना है। वो सारा क्राइम करने का जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसे आपका गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड का होना, उसे मेंस रिया कहते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट अ मैन इज़ नॉट क्रिमिनल लाइबल फॉर हिज कंडक्ट अनलेस द प्रेस्क्राइब्ड स्टेट ऑफ माइंड इज़ आल्सो प्रेजेंट। क्रिमिनल लाइबिलिटी इस प्रिंसिपल पर बेस करती है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक क्रिमिनल लाइबल नहीं है जब तक कि वो एक्ट करते वक्त उसमें प्रेस्क्राइब स्टेट ऑफ माइंड या गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड या इवल स्टेट ऑफ माइंड उसमें प्रेजेंट ना हो। इन इस्लामिक लॉ इंटेंशन इज़ कॉल्ड अमद, देयरफॉर द टर्म कत्ल अमद। इस्लामिक लॉ में टर्म अमद है और जहाँ से कत्ल अमद लफ्ज़ पीपीसी में भी डिस्क्राइब है। दूसरे नंबर पर है एक्टस रियाज, अ फिजिकल एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन बाय द डिफेंडेंट विच लीड्स टू द कम्पलीशन ऑफ ऑफेंस। एक्टस रियाज का मतलब है फिजिकल एक्ट ऑफ द पर्सन। अब आपने क्राइम की इंटेंशन तो बता ली और आपने थिंकिंग प्रोसेस भी मेंस रिया में कर लिया। अब क्राइम को प्रैक्टिकली करने के लिए जो आप फिज़िकल एक्ट करोगे, उसे एक्टस रियाज कहते हैं, और उससे आपका ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा आपके उस एक्ट से। इन रियलिटी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अदर देन मेंटल एलिमेंट्स कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज एक्टस रियाज। मेंटल एलिमेंट्स के अलावा तमाम बाकी फ़िज़िकल एक्ट्स, तमाम दूसरे एलिमेंट्स, वो एक्टस रियाज में आते हैं। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ बॉडी ऑफ द क्राइम, इसे बॉडी ऑफ क्राइम भी कहते हैं। एक्टस रियाज में आप फिज़िकली क्राइम को परफॉर्म करते हो। आपने जिस तरह किसी को कत्ल करना है, तो आप मेंस रिया में उसकी प्लानिंग करते हो, आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस करते हो, आप गिल्टी माइंड पहले अपना बनाते हो, उसके बाद अब एक्टस रियाज में आप उसे जिस तरह आप गन किसी से लेते हो, गन लेते हो और उसे अब लोड करते हो, अब आप उसमें उसके लिए अब कत्ल करने के लिए आप ट्रैवल करते हो या किसी और चीज़ का सहारा लेते हो, किसी और को इन्वॉल्व करते हो। जो भी प्रैक्टिकली काम आप जो भी करते हो, वो तमाम एक्टस रियाज में आते हैं। तीसरे नंबर पर है कंकरेंस ऑफ द मेंस रिया और एक्टस रियाज। इट मींस द फिज़िकल एक्ट एंड मेंटल स्टेट एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, कि फिज़िकल एक्ट और मेंटल स्टेट एक ही वक्त में, मेंटल स्टेट और फिज़िकल एक्ट का एक ही वक्त में पाया जाना कंकरेंस ऑफ द मेंस रिया और एक्टस रियाज कहलाता है। इट इज़ नॉट इनफ फॉर कमीशन ऑफ क्राइम दैट ओनली अ मेंटल एलिमेंट इन मीन्स इंटेंशन बी फाउंड और ओनली द बॉडी ऑफ द एक्ट फिज़िकल एक्ट बी फाउंड। ये क्राइम के लिए ये काफ़ी नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट, चाहे मेंटल एलिमेंट हो चाहे फिज़िकल एलिमेंट हो, एक्टस रियाज, इन दोनों में से किसी एक के होने से क्राइम नहीं बनेगा, यानी कि किसी एक की एब्सेंस होने से मेंस रिया या एक्टस रियाज में से, इनमें से किसी एक की एब्सेंस होने से क्राइम नहीं बनेगा। जब क्राइम उसी वक्त बनेगा जब मेंस रिया और एक्टस रियाज क्राइम करते वक्त उस वक्त ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम प्रेजेंट होगी तब ही क्राइम बनेगा। उनकी कंकरेंस का होना ज़रूरी है। द टू एलिमेंट्स मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स मस्ट कम टुगेदर एट द सेम टाइम फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। वही बात के मेंटल और फिजिकल एलिमेंट्स का दोनों का एट द सेम टाइम क्राइम के वक्त पाया जाना ज़रूरी है क्राइम बनने के लिए। कंकरेंस ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज़ ट्रीटेड एज थर्ड एलिमेंट। इस कंकरेंस को इन दोनों एलिमेंट्स मेंस रिया और एक्टस रियाज का इन दोनों एलिमेंट्स का एक ही वक्त पर पाया जाना कंकरेंस कहलाता है और इस तीसरे एलिमेंट को कंकरेंस को एज ए थर्ड एलिमेंट ट्रीट किया जाता है। ऑफेंसेज ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आर एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंकरेंस। ये कंकरेंस जो थर्ड एलिमेंट है इसकी कुछ केसेस में एक्सेप्शन है, यानी कि कंकरेंस अगर ना भी हो तब भी कुछ केसेस में क्राइम बन जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले केसेस हैं, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड है। इसमें अब कोई भी शख्स प्राइवेट डिफेंस में या कोई भी पुलिस ऑफिसर देख लें कि किसी पर्सन को किसी की जान बचाने की गर्ज से किसी क्रिमिनल को टांग पर गोली मारना चाह रहा है और वो क्रिमिनल उस वक्त एट द सेम टाइम वो नीचे झुक जाता है और गोली टांग पर लगने की बजाय उसके सर में लग जाती है और उसकी डेथ वाकई हो जाती है। तो उसमें उसकी इंटेंशन तो नहीं थी, पुलिस ऑफिसर की इंटेंशन भी नहीं थी, लेकिन उसकी डेथ भी हो गई। तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा और उसमें कंकरेंस एब्सेंट है, उसमें मेंस रिया एब्सेंट है और ये चीज़ उसमें एक्सेप्शनल केसेस में आ जाती है।